उत्तर प्रदेश के आगरा से माफिया अतीक अहमद के नाम पर ठगी करने का एक अनोखा मामला सामने आया है। दरअसल एक तांत्रिक ने व्यापारी से 4.5 लाख रुपए ठग लिए, वापस मांगे तो बोला माफिया अतीक अहमद का रिश्तेदार हूँ, कटवा दूंगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के आगरा के शाहगंज थाना क्षेत्र के कॉस्मेटिक व्यापारी से कथित तांत्रिक ने तंत्र मंत्र के नाम पर 4.5 लाख रुपए ठग लिए। ये रकम उसने व्यापार बढ़ाने और बच्चों की बीमारी दूर करने का झांसा देकर ली थी। ठगी की जानकारी जब व्यापारी को हुई तो रकम वापस मांगी, तो आरोपी ने खुद को माफिया अतीक अहमद का रिश्तेदार बताया और जान से मारने की धमकी दी। अब पीड़ित ने पुलिस के सामने मदद की गुहार लगाई है। दरअसल रुई मंडी के रहने वाले गौरव सारस्वत ने ताजगंज के कटरा रेशम में रहने वाले तारिक जाफरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। व्यापारी ने पुलिस को जानकारी में बताया है कि 9 महीने पहले तारिक जाफरी दुकान पर कॉस्मेटिक का सामान खरीदने आया था। सामान खरीदने के बाद व्यापार के बारे में पूछने लगा। उन्होंने काम धंधा नहीं चलने के बारे में बताया। इस पर उसने कहा कि वो उपाय जानता है, तंत्र मंत्र से दूर कर देगा, आपकी दुकान को बांध दिया गया है। इस पर व्यापारी ने कहा उपाय बताओ। तारिक ने तंत्र मंत्र किया, धूप बत्ती जलाकर बैठने के लिए बोला। उन्होंने ऐसा ही किया, कभी यमुना के किनारे तो कभी एक धर्म स्थल के किनारे बुलाकर तंत्र मंत्र करता रहा और उससे रुपया भी लेता रहा। व्यापारी के बच्चे भी बीमार रहते थे, इस बारे में जब तारिक को पता चला तो उनका भी इलाज करने के लिए कहने लगा। हर महीने पानी की 2 बोतल देता और इसके लिए 22,000 रुपए लेता। इस बोतल का पानी बच्चों को पिलाने और खुद पीने के लिए बोलता। कई महीनों बाद भी बच्चों को कोई फर्क नहीं हुआ। जब ठगी का एहसास व्यापारी को हुआ तो तांत्रिक को वो 4.5 लाख रुपए दे चुका था। इसके बाद व्यापारी ने अपनी रकम वापस लौटाने के लिए कहा, तो वहीं आरोपी ने धमकी दी, कहा मैं माफिया डॉन अतीक अहमद का रिश्तेदार, कटवा दूंगा, पता भी नहीं चलेगा। इससे परिवार दहशत में है, अब उन्होंने सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं थाना शाहगंज के प्रभारी का कहना है कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। तो यहां पर माफिया अतीक अहमद के नाम लेकर ठगी का यह अनोखा मामला आगरा से सामने आया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को।